नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंप्यूटर। तो आज हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसके परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट की लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंप्यूटर। जनरली द वर्ड्स माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर आर यूज टू कोरस्पॉन्ड टू द सेम थिंग। तो आमतौर पर जो हमारे वर्ड शब्द है माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर, वो एक ही चीज को अनुरूपित करते हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्ड करते हैं। बट इन फैक्ट दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन वास्तव में बात करें तो इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें मतलब अलग हैं, तो इनको एक चीज के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है। द माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी डेवलप्ड ऑन द LSI और VLSI टेक्नोलॉजी। हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक आईसी होती है जिसको डेवलप किया जाता है हमारा LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, तकनीक की मदद से। ठीक है, इनका क्या मतलब है, इसमें जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे बहुत अत्यधिक मात्रा में, और इसमें बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हमारे एक चिप के ऊपर कॉम्पोनेंट्स को फेब्रिकेट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। क्लियर है बात। इट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक कोर होता है, एक मूल हिस्सा होता है। ठीक है, मौलिक हिस्सा होता है। बट अ माइक्रो प्रोसेसर बाय इटसेल्फ इज कंप्लीटली यूजलेस। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर अकेला क्या है, पूरी तरह से बेकार है, यूजलेस है अकेला माइक्रो प्रोसेसर। अनटिल एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इट टू एनेबल इट्स इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जब तक कि जो हमारे एक्सटर्नल, जो हमारी बाहरी, हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जब तक कि वो कनेक्टेड ना हो हमारे माइक्रोप्रोसेसर के साथ, जो उसको क्या करें, अनेबल करें इंटरेक्ट करने में, जो बाहरी आउटसाइड वर्ल्ड है, जो हमारा बाहरी जो दुनिया है, बाहरी जो डेटा है हमारा, उसके साथ इंटरेक्ट करने में जब वो क्या करें, उसको सक्षम बनाए, जो पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो क्या मतलब है, जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है वो अकेला क्या है, यूजलेस है, बेकार है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए। ठीक है, अलग से डिवाइसेस चाहिए, उपकरण चाहिए, जो उसको आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़े, इंटरेक्ट करवाए उसको। ठीक है, क्लियर है बात। द माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटिंग सिस्टम। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से हमारा गणना करने वाला सिस्टम होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है वो अपने आप में। एंड इट इज बिल्ट विद द माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड मेमोरी रैम एंड रोम। तो ये हमारा कैसे बनता है, कैसे बिल्ट होता है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें एक यूनिट, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट उपकरण होते हैं, मेमोरी यूनिट होती है जैसे रैम और रोम होगी, ठीक है, इन सब से मिलाकर ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर बनता है। क्लियर है बात। द स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज शोन इन फिगर। फिगर 1.10 में हमारा स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया माइक्रो कंप्यूटर का। द डिटेल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.11। और जो हमारा डिटेल आर्किटेक्चर है हमारा माइक्रो कंप्यूटर का, वो कहां पर दर्शाया गया, हमारा फिगर 1.11 में। देखते हैं इनको दोनों को। तो चलिए देखते हैं हमारा स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्या यूनिट आप देख सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास, मेमोरी है, रैम एंड रोम, ये आपस में क्या हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ डायरेक्शनल है हमारे इनपुट और डिवाइसेस, जैसे डायरेक्शनल रहेगा इनपुट प्रदान करेगा, ये सिर्फ आउटपुट प्रदान करेगा। तो एरो के निशान आप देख सकते हो, दोनों तरफ एरो के निशान मतलब बाय डायरेक्शनल है, डेटा इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। क्लियर है बात। ये आप देख सकते हो आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर हमारा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट हमारे पास तीन यूनिट होती है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होती है, ये तीन यूनिट होती है। इंट्रोडक्शन टू हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर वाली वीडियो थी उसमें हमने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट है। क्लियर है बात। इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, आउटपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, मेमोरी यूनिट जुड़ी हुई है हमारी, रैम एंड रोम, ठीक है, रीड एंड राइट मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है बात। और उसके साथ हमारे पास क्या, सिस्टम बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस, ठीक है, जो उसके साथ इंटरेक्ट करती है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ये सारे आपस में क्या हो, जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है बात। अब ये जो कंपोनेंट्स है इसमें आर्किटेक्चर में, इनके बारे में पढ़ते हैं क्या करके। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारे क्या काम करती है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट होती है। द ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक ऑपरेशन, नेमली हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है हमारी, करती है अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। ठीक है, अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है उनको कार्य करती है हमारी, जैसे कि एडिशन हो गया हमारा,
ऐड करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, डेटा को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा, या फिर जो हमारे लॉजिक तार्किक ऑपरेशंस होते हैं संचालन के, ठीक है, जैसे कि हमारे एंड ऑपरेशंस हो गया, और ऑपरेशन, एक्सोर ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट करना हो गया, रोटेट शिफ्ट करना हो गया डेटा को, आफ्टर द ऑपरेशंस रिजल्ट्स मस्ट बी स्टोर्ड आइदर इन द स्पेसिफाइड रजिस्टर और इन द मेमोरी। तो इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, इस पर संचालन करने के बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा डेटा पर जो रिजल्ट है हमारा, जो परिणाम है हमारा, वो कहाँ पर स्टोर होगा, एक स्पेसिफाइड निश्चित रजिस्टर में, ठीक है, या फिर मेमोरी में। क्लियर है बात? रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर क्या होता है हमारा, द माइक्रोप्रोसेसर हैज वेरियस जनरल पर्पज रजिस्टर। तो माइक्रोप्रोसेसर के बाद बहुत सारे हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, जैसे कि नेम होते हैं हमारे बी सी डी ई एच एल एंड एक्यूमुलेटर ए नाम से, ठीक है। दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एंड एड्रेसेस, और जो हमारे एड्रेसेस है उनको संग्रहित करने के लिए टेम्परेली अस्थायी रूप से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस दौरान हमारे जो हमारे एड्रेसेस हो गया, फिर डेटा हो गया, उनको स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रजिस्टर का, ठीक है, टेम्परेली रूप से, अस्थायी रूप से। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की बात करें, द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन द माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए उसका, ठीक है, उसको चलाने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं इन द माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। एक्चुअली इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमरी पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एक्चुअली ये क्या करता हमारा, ये कंट्रोल करता हमारा फ्लो ऑफ डेटा को, जो कि हमारा क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के बीच में या फिर मेमरी के बीच में हो रहा है डेटा फ्लो, या फिर माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उनके बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करता है हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। क्लियर है बात? इनपुट डिवाइसेस की बात करें, द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा इन बाइनरी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द माइक्रोप्रोसेसर। तो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट उपकरण होते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जो बाइनरी डेटा होता है हमारा आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर के पास, ठीक है, जो बाहरी हमारा वर्ल्ड, बाहरी दुनिया है, वहां से हमारा बाइनरी डेटा को क्या करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर तक पहुंचाते हैं हमारे। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेज आर द कीबोर्ड। तो जो हमारे ज्यादातर यूज होने वाले जो डिवाइसेज हैं हमारे, उपकरण है, वो कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइसेज कीबोर्ड हो गए हमारे, स्विचेज हो गए, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया। तो ये हमारे जो डिवाइसेज ज्यादातर यूज होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेज के तौर पर माइक्रो कंप्यूटर में। क्लियर है बात? आउटपुट डिवाइसेज की बात करें, द आउटपुट डिवाइसेज ट्रांसफर डेटा फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, आउटपुट उपकरण होते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, डेटा को भेजते हैं माइक्रोप्रोसेसर से बाहर की वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया मतलब, ठीक है, जैसे कि हमारे क्या हो गए, प्रिंटर्स आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, जब प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा आउटपुट होता है, हम आउटपुट लेते हैं उसे प्रिंटर से, प्लॉटर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स होगी, इन सबसे हम क्या लेते हैं, आउटपुट प्रदान होता है हमें, आउटपुट प्रोवाइड होता है। क्लियर है बात? मेमोरी की बात करते हैं, द मेमोरी यूनिट स्टोर्स द बाइनरी इन्फॉर्मेशन सच एज द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। मेमोरी यूनिट हमारी क्या करती है, संग्रहित करती है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को, बाइनरी जानकारी को, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस हो गए, डेटा हो गए, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स दैट इन्फॉर्मेशन टू द माइक्रोप्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग। और फिर इस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को माइक्रोप्रोसेसर को प्रदान करती है प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा को संसाधित करने के लिए, डेटा पर प्रक्रिया करने के लिए। टू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शंस, किसी भी इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए, द माइक्रोप्रोसेसर रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी। माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, रीड करेगा, पढ़ेगा इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को, डेटा को मेमोरी से। आफ्टर द कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस इन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो भी हमारे कंप्यूटेशनल, जो हमारे गणनाओं वाले जो ऑपरेशंस हैं हमारे, वो जब हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर अगेन स्टोर रिजल्ट इन द मेमोरी फॉर फर्दर यूज। तो माइक्रोप्रोसेसर जो भी रिजल्ट होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, उसको स्टोर करेगा मेमोरी में, उसको संग्रहित करेगा आगे यूज करने के लिए, दोबारा उसका इस्तेमाल होगा तो, ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हमारा मेमोरी का काम होता है। अब बात करते हैं सिस्टम बस की। सिस्टम बस हमारे पास तीन होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ठीक है। द माइक्रोप्रोसेसर ऑलवेज कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी वाया सम पाथ कॉल्ड द सिस्टम बस। तो हमारा माइक्रोप्रोसेसर होता है, हमें हमेशा कम्युनिकेट करता है, संचार करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ या फिर मेमोरी के साथ कुछ पाथ, कुछ रास्ते के द्वारा, जिस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। द सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ एड्रेस बस। अब सिस्टम बस में हमारे पास क्या होता है, एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, ठीक है। एड्रेस बस इज यूज्ड टू लोकेट एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड मेमरी। तो एड्रेस बस का इस्तेमाल जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेज है या फिर मेमरी है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, उसको लोकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा इन बाइनरी
फॉर्म बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स, तुम्हारे डेटा बस होते हैं उसका इस्तेमाल हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, डेटा को भेजने के लिए किया जाता है, जो हमारा बाइनरी फॉर्म में होता है माइक्रोप्रोसेसर के बीच में और पेरिफेरल्स के जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है उनके बीच में, ठीक है। मतलब डेटा को कैरी करती है डेटा बस, और ये हमारी क्या करती है जो हमारी एड्रेस बस होती है हमारी, ये क्या करती है हमारी लोकेट करती है, पता लगाती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का और मेमोरी का, मतलब उनके एड्रेस को उनका पता को ये अपने पास रखती है, ठीक है। द माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद ओनली वन पेरिफेरल एट अ टाइम, तुम्हारा माइक्रोप्रोसेसर होता है वो क्या करता है कम्युनिकेट करता है संचार करता है सिर्फ और सिर्फ एक पेरिफेरल एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ एक समय पर एक टाइम पर। द टाइमिंग सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोल बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, और जो हमारे ये टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं ये माइक्रोप्रोसेसर किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, कंट्रोल बस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारा तीनों का काम होता है, एड्रेस बस का, डेटा बस का और कंट्रोल बस का, क्लियर है बात। तो हमने पूरा पूरा आर्किटेक्चर देख लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या था, माइक्रोप्रोसेसर यूनिट थी, माइक्रोप्रोसेसर में एएलयू होता है, ये अपना परफॉर्म करेगी फंक्शन, रजिस्टर हमारा स्टोरेज के लिए यूज होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट हमारे टाइमिंग के लिए होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेज की बात कर ली हमने, आउटपुट डिवाइसेज की बात कर ली हमने, मेमोरी की बात कर ली, क्लियर बात। एड्रेस बस की बात कर ली हमने, सिस्टम बस की बात कर ली, सिस्टम बस में हमारे पास क्या होती है एड्रेस बस कंट्रोल बस डेटा बस, तीनों की बात कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसे कनेक्टेड है हमारी सिस्टम बस आपस में, ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड है बाय डायरेक्शनली सिंगल डायरेक्शनली, ठीक है। तो आप इस डायग्राम का आर्किटेक्चर को बना सकते हो और जितना मैं एक्सप्लेन किया उसको एक्सप्लेन करना आपको, क्लियर बात है एग्जाम के लिए। तो ये इसको क्या करते हैं कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, एड्रेस बस कंट्रोल बस डेटा बस, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या थी कंप्लीट जानकारी थी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।